देंगे। ये कलेक्टर भी है, ये जरा चेक करें इधर आगे। फायदा तो चल रहे हैं अभी, ये चलो डस्ट से कम तो डेफिनेटली होगी। डस्ट ये इसलिए रखते हैं ना कि एक तो क्लीन एनवायरनमेंट में इनको धो के करवाते हैं, फिर कुछ अरसा बाद ना जब ये इस पर डस्ट पड़ जाती है फिर डस्ट पे एनालिसिस करते हैं इसका तो डस्ट का इफेक्ट क्या होता है। हम तो एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं ना, हम इसकी प्रोडक्शन तो नहीं ले रहे। हमने तो स्टूडेंट्स को डिफरेंट एनवायरनमेंट में उनको ये एक्सपेरिमेंटेशन करवानी होती है ना कि डस्ट में इस पर क्या इफेक्ट पड़ा और इसकी एफिशिएंसी कितनी ड्रॉप हुई है, और जब ये क्लीन थे तो उस वक्त पे क्या इफेक्ट आया, इसलिए इस पर डस्ट हम छोड़ देते हैं। जब क्लीन पे करवाना होता है तो उसको धो के साफ करके एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, फिर जब डस्ट पे एनालिसिस करना होता है तो इसको डस्ट के उस हिसाब से करते हैं, इसलिए अभी डस्ट उसे छोड़ी है। तो ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स हैं, ये एवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स हैं, और जो उसके एडवांस फॉर्म है वो पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर्स हैं जो नीचे आपको सर ने बताए हैं। ये बेसिकली हमारा जो सिस्टम नीचे लगा हुआ है ना उसके लिए हमें वाटर को प्री हीट करना होता है। अभी एक लड़का पूछ रहा था कि वाटर पानी को गर्म क्यों करते हैं। पानी को गर्म इसलिए करते हैं कि नीचे एक तो हमारा पावर प्लांट लगा हुआ है जिसमें बॉयलर लगा हुआ है। इसका बेसिक पर्पज होता है इंडस्ट्रीज में कि आपने किसी भी एप्लीकेशन के लिए वाटर को यूज़ करना है या आपने उसको बॉयलिंग पॉइंट तक लेके जाना है, तो बजाय आप उसको कोल से हीट करें या लकड़ी जलाएं उसको हीट करें, तो वाटर को पहले सोलर से आप प्री हीट कर लें। आपको उसको स्टीम तक लेके जाने में कम हीट रिक्वायर्ड होगी, बजाय उसको ठंडे से गर्म करें आपको पहले ही प्री हीट वाटर मिल रहा है, आपको थोड़ी सी एनर्जी और चाहिए आप उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाएंगे। तो उसके लिए होता है कि ये जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स हैं, ये जो आपके सामने लगे हुए हैं, ये उसकी ये बेसिक फॉर्म है इसकी। उसके बाद फिर ये आगे एवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स हैं, ये उससे थोड़ा एडवांस फॉर्म है, और इससे एडवांस फॉर्म जो है वो आगे पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर्स है, वो उनकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसकी एफिशिएंसी है और इससे कम इसकी एफिशिएंसी है। तो हमने ये सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि सबसे पहले हम वाटर को प्री हीट यहाँ पे करते हैं, फिर यहाँ से हम इसको एवैक्यूएटेड ट्यूब में ले जाते हैं, ये उस वाटर को मज़ीद हीट अप कर देता है, यहाँ से फिर आगे हम इसको अपने सिस्टम में जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं। जब यहाँ से वाटर निकलता है तो उसका टेम्परेचर किस रेंज में? सर्दियों में टेम्परेचर जरा कम होता है, गर्मियों में थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि हीट ज्यादा अवेलेबल, वो तो सोलर पे डिपेंड करता है कि आपकी सोलर कितनी इंटेंसिटी अवेलेबल है, सोलर पे डिपेंड। फ्लैट प्लेट्स में वाटर हीटिंग करने से क्या होता है, मतलब ये सारे सीरीज में कनेक्टेड है ना, वहाँ से वाटर इन हो रहा है, वो जो ब्लैक पाइप आपको नजर आ रहा है ना उस साइड पे, वहाँ से वाटर पहले पैनल में इन हो रहा है, पहले पैनल से हीट अप होकर दूसरे पैनल में आ रहा है, दूसरे से तीसरे में, इस तरह सबसे जो एंड पे हमें रिजल्ट मिलता है, तो वो सारे पैनल का इकट्ठा रिजल्ट हमें यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी मिल जाती है कि इन इनलेट पे जो वाटर आ रहा है उसका टेम्परेचर क्या है और जो आउटलेट पे हमें वाटर मिल रहा है उसका टेम्परेचर क्या है, उससे पता चल जाता है। टेम्परेचर इसी पर मैं रोगा ना सर, पंप लगा है पीछे, पंप लगाओ, वो वाटर को पंप करता है और वाटर को इसमें से सर्कुलेट करवा देता है। और ये भी चलाते हैं, ये जो पहले इसके गर्म करते हैं, स्टोरेज टैंक है ना कि हमने जो गर्म पानी है उसको स्टोर करते हैं इसमें, और उसपे इंसुलेशन लगी है ताकि जो उसका हीट लॉस है वो कम हो, और वो जो है वो लेदर से चल रहे हैं, वो स्टेनलेस वाली उनका वो हमने सेटअप एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट वो लेदर रखा हुआ है, उस पे एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था वो अपना काम का। अभी वो गर्म वाला प्रोसेस का तो मेरे ख्याल वो पाइप शायद वो उन्होंने स्टूडेंट से रिपेयर वगैरह के लिए दिया हुआ है, वो उन्होंने वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है ना कि उसमें नैनो फ्लूइड्स कौन से चलाने हैं, उन्होंने कितनी हीट तक उसको लेके जाना है, वो फिर उस हिसाब से उसका पाइप डिजाइन होता है। इसमें जो पाइप दरमियान में लगाता है ना सारी हीट उसको पाइप जी वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा होता है, वो सारी हीटिंग उस पॉइंट पे जा रही है। वो पाइप फिर कोई इस तरह का होगा जो हीट अब्जॉर्बर होगा, इस तरह का नहीं नहीं वो तो दूसरा मटेरियल है। अच्छा अच्छा इस तरह का पाइप दरमियान में लगा होगा, वो सारी हीट उस पे ऊपर होगी, उसके अंदर से जो गुजरेगा सबसे ज्यादा वो फोकस होगा। ठीक है, ग्लासेस जो ये करते हैं शीशा के जो सन है उसको मैग्नीफाई करके वापस उस पर डालें कि वो और भी गर्म हो जाए, वो भी हुआ है नीचे सेटअप लगा हुआ है।
सारे लेक्चर्स की होती है ये कोई आपने ग्रुप बनाया हो उसको व्हाट्सएप कर देते हैं नहीं ग्रुप नहीं इसको यूट्यूब पे अच्छा यूट्यूब से अपलोड करते हैं विसल है ये देखें एम्पियर 0.16 पे 36 वाट देगा ये देखें आपने ज्यादा या कम करना है वो यहाँ जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसने 3 स्टेप दे दिए हैं आप उसमें से किसी भी एक स्टेप पे यूज कर सकते हैं जो आपका फ्लो रेट आपने रखना है अभी इन्होंने फुल रखा हुआ है 49 वाट पे चल रहा है मतलब आपको इतना प्री हीट नहीं चाहिए वाटर तो आप उसको तेजी से तेज कर दें अगर का जितना कम फ्लो करवाएंगे उतना वो ज्यादा हीटेड वाटर फैन वाला साथ है कि एक नंबर पे आपने सेट करना दो तो वही चीज है जस्ट वो तो मोटर के बारे में आपको इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट आप ठीक है ये जितना स्पीड ज्यादा होगी वाटर ज्यादा है तो जल्दी फ्लो करवा देगा ठीक है ये क्या चीज़ ये प्रेशर वो मेरे ख्याल फ्लो मीटर लगा हुआ है ठीक है चलता है मेरे ख्याल ये चला नहीं।